हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC हमें अब टिकट निकालने के कुछ नए टूल्स और बढ़ा दिए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ UPI के बारे में। आपने नाम सुना रहेगा UPI, भीम, ये सब के वगैरह वगैरह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IRCTC पहले भी आपको पेमेंट गेटवे में UPI फैसिलिटी देती थी, लेकिन अब IRCTC ने एक न्यूज़ दिया है कि अब आप भीम के थ्रू टिकट बुक कर सकते हो। हाँ दोस्तों, और अगर आप भीम के थ्रू टिकट बुक करते हो तो उस पर आपको मार्जिन और डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब कोई अलग से जो वेव चार्जेस रहते थे, इनके सर्विस चार्जेस थे, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो आप कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे फैमिली के मेंबर, मतलब मुझे, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पे दिख रहे वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, और साथ में उसके बाजू में बेल आइकन दिखता है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो, हमारे चैनल से आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि IRCTC और टिकट से रिलेटेड हैं, जो कि हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहते हैं। टिकट के जो अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ रहते हैं, ट्रेवल्स के न्यूज़ रहते हैं, IRCTC के जो अपडेट और न्यूज़ रहते हैं, सब इस पर मैं आपको इजी शब्दों में देता हूँ। तो दोस्तों, अगर हमेशा आप अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफाई कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, IRCTC ने क्या न्यूज़ दिया है उसके बारे में बताऊँ। मैं अपना खोल लेता हूँ क्रोम, क्रोम का टैब खोल लेता हूँ। क्रोम में आप देख सकते हो, मैं एक न्यूज़ ओपन किया, जी बिजनेस का न्यूज़ है। इसका लिंक मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पे अगर क्लिक करते हो तो आपको पूरा न्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता दूंगा, ताकि मैं वीडियो ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। वीडियो पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या मैटर है इसका और क्या ये हमें फैसिलिटी दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट पुशेस फॉर द रेलवे टिकट फॉर टिकट बुकिंग वाया वीम ऐप। मतलब गवर्नमेंट हमें पुश कर रही है फॉर रेलवे टिकट, टिकट के लिए, टिकट बुकिंग के लिए वाया भीम ऐप। मतलब हम भीम ऐप के थ्रू करें। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, रेलवे हमें हमें इंकरेज कर रही है, हमें बढ़ावा दे रही है, ताकि हम भीम ऐप के ही थ्रू अपना टिकट बुक करें। हाँ दोस्तों, इसमें तीन फीचर्स दिए हैं, मैं आपको हाईलाइट्स डायरेक्टली बता देता हूँ इसमें क्या फ़ायदा है। यहाँ आप देख सकते हैं ना, मूव बूस्ट कैशलेस ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे जो एक कैशलेस ट्रांजेक्शन को बूस्ट मिले, इसके लिए वह भीम के थ्रू टिकट पेमेंट करने की फैसिलिटी दे रही है। हाँ दोस्तों, अब उसके ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसके UPI के सिस्टम से भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली IRCTC की वेबसाइट से बुक करते हो तो भी आप भीम ऐप का यूज़ कर सकते हो। भीम ऐप यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईलाइट्स में दिया है, पैसेंजर कैन बुक टिकट एंड पे थ्रू भीम ऐप एंड UPI। अगर पैसेंजर का टिकट बुक करता है तो वह भीम ऐप के थ्रू भी कर सकता है, और पेमेंट सिस्टम में आपको UPI सिस्टम भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड दिया है इसमें, द फैसिलिटी वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम दिसंबर 1। ये फैसिलिटी आपके 1 तारीख के दिसंबर से चालू हो जाएगी। मतलब दोस्तों, यह फैसिलिटी भी चालू हो गई, आज 7 तारीख है, अरे 8 तारीख है, तो यह फैसिलिटी लागू होकर 1 हफ्ते बीत चुके हैं। नो एडिशनल चार्जेस, थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट्स ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नो एडिशनल चार्जेस विल बी लिव्ड फ्रॉम पैसेंजर मेकिंग पेमेंट एट रेलवे काउंटर्स यूजिंग UPI भीम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जाएगा, कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी ये सब चार्ज, दूसरा चार्ज नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यह 3 महीने आपको फ्री सर्विस आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। अभी दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पूरा एकदम पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे यही तीन फैसिलिटी हमें मौजूदा रूप से गवर्नमेंट हमें अच्छे रूप से प्रोवाइड करना चाहती है। दोस्तों आगे पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, आप पूरा इसका आर्टिकल पढ़ सकते हो। तीन बेस पॉइंट थे जो मैं आपको बता दिया, कि गवर्नमेंट हमें टिकट भीम ऐप के थ्रू बुकिंग करने के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, सेकंड 1 तारीख से इंप्लीमेंट हो जाएगा, थर्ड कि इसके अगर भीम के द्वारा हम टिकट कोई बुक करते हैं तो हमें कोई भी चार्जेस भरना नहीं पड़ेगा, 3 महीने ये सर्विस हमें फ्री देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सब मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, या कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हो, या कुछ बोलना चाहते हो, या कुछ बात करना चाहते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। और साथ में ही अगर वीडियो पसंद आया, और साथ में ऐसे ही हमेशा आपको अपडेट्स चाहिए, न्यूज़ चाहिए टिकट के बारे में, टिकट कैसे जल्दी बुक करें, ट्रिक्स चाहिए, सब कुछ मैं आपको दूंगा, इजीली वे में दूंगा, आसानी से दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि हर चीज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, तुरंत यहाँ इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बस। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।